बच्चों अब हम बता रहे हैं आपको नाउन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? संज्ञा। क्या बोलते हैं इसे? संज्ञा। संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संज्ञा। संज्ञा। अंग्रेजी में नाउन। डेफिनेशन क्या? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ नाउन? सुनो, द नेम्स ऑफ, ध्यान से सुनो, द नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड आइडिया इज कॉल्ड नाउन। किसके समझ में आया? हिंदी बोले है? हिंदी में यह है कि किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन तुमने जब इंग्लिश में लिखने को आए तो इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। इंग्लिश में क्या बोला याद सीख लो, खाली ये बोलना है द द नेम ऑफ, ऑफ अपने पास से होना, द नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड आइडिया इज कॉल्ड नाउन। ये तीन सब चार सब याद कर दो, समझ आया? जैसे पर्सन आप कहोगे नाउन में, हम पहचाने कैसे कौन सी नाउन है? है तो देखो, पर्सन, पर्सन माने आदमी, इंसान, कोई भी हो सकता है इंसान, और आदमी, लड़का, लड़की, जैसे हमने दिया पर्सन में बॉय, लड़का, ये पर्सन होता है, इंसान होता है, समझना? अच्छा, प्लेस, स्थान, हिंदी में आदमी, स्थान, प्लेस को क्या बोलते हैं? किसी भी स्थान का नाम ले लो, हमने लिख दिया न्यूयॉर्क, अमेरिका, इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुजिकिस्तान, ये सारे देश किसी भी देश का नाम ले लो तो ये प्लेस हो गई। इनके नामों को बोलते हैं नाम। ठीक, जितनी भी चीजें हैं, चीजें वस्तुएं, वस्तुएं, वस्तुओं के नाम, जितनी वस्तु दुनिया में बनी हुई है पदार्थ की, उनको सबको क्या बोलते हैं? नाम। जैसे पेन, टेबल, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट टीवी, विंडो, खिड़की, हैं? ये सारी चीजें क्या है तुम्हारी? थिंग्स में आती, वस्तु में होती, इन्हें नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब आइडिया, विचार, क्या होता है? कोई विचार है तुम्हारा किसी के प्रति, हैं? फेयरनेस, कोई गोरा है, ब्लैक, कोई काला है, हैं? फियर, किसी को डर लगता है, ये भी क्या होता है? नाउन होता है। किसी को हैप्पी, अच्छा लगता है, खुश रहता है, इस तरीके से नाउन की परिभाषा। थैंक यू वेरी मच।